इसके पैरों पर मतलब क्या हो जाते थे? पापा जी पूरी बॉडी देते दाने हो जाते थे रेशे वाले, पूरी बॉडी पर छोटे छोटे दाने बन जाते थे जिसे पिलकरे भी बोलते हैं, और वो उनमें क्या हो जाता, रेशा बन जाता था और फिर फट जाते थे। हाँ जी, फिर जख्म हो जाता है, फिर जख्म हो जाते थे, फिर जख्म के कारण आपको समझ आ रही है? ये छोटा सा बच्चा है, कितने समय का भी? सिर्फ 6 महीने। अगर कोई सयाना बंदा हो ना सयाना, तो उसकी हालत खराब हो जाती। ये लगातार ये मेडिसिन दे रहे थे, लगातार मेडिसिन दे रहे थे। एक ही डॉक्टर के पास गए कि किसी कोई और भी? कितने डॉक्टर? तीन चार डॉक्टरों के पास सब अलग अलग गए। एक से अच्छा नहीं हुआ दूसरे पे, दूसरा जो तीसरा, तीसरा चौथा, मतलब चार डॉक्टर अपने बदले पर कहीं से भी आप इसको आराम नहीं मिला। और आप भी बड़े परेशान थे, ये पूरा दिन भर रोता था, पूरी रात भी ये भी नहीं सोता और आप भी नहीं सोते। निश्चय निश्चय खुदा आप इस अंधकार की शक्तियों का अंत करके इस बच्चे को और इसकी खुदा इसकी मां को पिता आप साथ कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। नेम ऑफ जीसस। सिस्टर के बेटे की गवाही है, जो बता रहे हैं कि 1 महीना हो गया है इनके बेटे की बॉडी में बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी, छोटे छोटे दाने हो जाते थे, जो बता रहे हैं कि जिसके कारण जो बहुत परेशान थे, और जो बता रहे हैं कि इसकी पूरी बॉडी में, इसके पाँव में भी, और जो बता रहे हैं कि पहले रेशे का एक छोटा सा पिलकरा बनता था, फिर बहुत बड़ा जख्म बन जाता था, और जो बता रहे जिसके कारण इनका बेटा काफ़ी परेशान रहता था। पहले हम उस पिक को देखेंगे। और जैसे कि हमने पिक में देखा कि पहले छोटा सा रेशे का एक पिलकरा बनता था एलर्जी के कारण, और फिर बहुत बड़ा जख्म बन जाता था जिसके कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी दी, जो बता रहे हैं कि फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और इनका बेटा सुबह के समय, रात के टाइम बहुत ही रोता था एलर्जी की प्रॉब्लम के कारण, इसकी बॉडी में खारिश होती थी, और जो बहुत रोता था, बहुत जिद करता था, जहाँ तक जो बता रहे जो दूध भी सही तरह से नहीं था पीता, जिसके कारण जो बता रहे कि पूरी पूरी रात जो इनके मदर भी बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि जो सो नहीं पाता था, सुबह के समय जो खेलता भी नहीं था, इतनी मेडिसिन भी थी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और बहुत ही परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो बहुत ही एलर्जी के भयानक प्रॉब्लम थे इसके बेटे को, जिसके कारण मेडिसिन से भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने बहुत महंगी मेडिसिन भी दी, और जो बता रहे जो बहुत परेशान हो चुके थे। और जैसे जो सिस्टर ने 2 मई को इनके लिए, जब परमेश्वर के दास के द्वारा इस बेटे के लिए ले हैंड हुई, पहले आओ हम इस वीडियो को स्क्रीन पर देखें। ये तो एडवांस में परमेश्वर दे चुका है। यस खुदा, तूने पहले अपने दास को आज ये वचन दे दिया है, और निश्चय निश्चय खुदा आप इस अंधकार की शक्तियों का अंत करके इस बच्चे को और इसकी खुदा इसकी मांग को पिता आप साथ कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। नेम ऑफ जीसस। और जो बता रहे कि जब इनके बेटे के लिए 2 मई को लैंड हुई, तो इन्होंने इसके लिए धन्यवाद किया, रिसीव किया, जो परमेश्वर आपके दास के लिए इस बेटे के लिए लैंड हुई है। तो जो बता रहे उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को कोई मेडिसिन नहीं दी, जो विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे। तो जो बता रहे कि कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने जो इनकी बॉडी में भयानक एलर्जी की प्रॉब्लम थी, वो छोटा सा जो इसके बेटे के जो पाँव पर जो बता रहे हैं कि छोटे छोटे दाने रेशे से भर जाते थे, फिर जख्म बन जाते थे, पस भर जाते थे, जिसके कारण जो बता रहे परेशान हो जाते थे। और जैसे इसके लिए प्रार्थना हुई, और परमेश्वर ने पूरी तरह से इनके बेटे को जो 1 महीने के एलर्जी की प्रॉब्लम थी, आज पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया, अपने हाथों को उठाते हुए, जो परमेश्वर ने इस बेटे को 1 महीने की एलर्जी की बहुत ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम थी, वो रेशे से छोटे छोटे दाने भर जाते थे, जख्म हो जाते थे, पस भर जाती थी, बहुत ही मेडिसिन थी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। और ये बता रही कि जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड हुई, इन्होंने
विश्वास किया, धन्यवाद दिया और से बतारे कि परमेश्वर ने इस बेटे को अब पूरी तरह से आजाद कर दिया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी इनका बेटा खेलता भी, दूध पीता है, कोई जिद नहीं करता। पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे इकलिसिया जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। माइक तो इन्हें जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह। ये प्रॉब्लम इसे कितने समय पहले हुई थी? एक डेढ़ महीना हो गया पापा जी। एक डेढ़ महीना हो हाँ गया जी। और जिसके कारण ये बहुत रोता था, परेशान था। ये इसके पैरों पर मतलब क्या हो जाते थे पापा जी? पूरी बॉडी दे उत्ते दाने हो जाते सी, रेशे वाले छोटे। रेशे वाले पूरी बॉडी पर छोटे छोटे दाने बन हाँ जाते थे, जिसे पिलकरे भी बोलते हैं। हाँ जी। और वो उनमें क्या हो जाता, रेशा भर जाता था। हाँ जी। और फिर फट जाते थे। हाँ जी। फिर जख्म हो जाता, फिर जख्म हो जाते हाँ थे। फिर जख्म के कारण आपको समझ आ रही है, ये छोटा सा बच्चा है, ये कितने समय का भी? 6 महीने। सिर्फ 6 महीने का। अगर कोई सियाना बंदा हो ना, सियाना, तो उसकी हालत खराब हो जाती, समझ आ रही है। पर इन्होंने 1.5 महीने से ये लगातार ये मेडिसिन दे रहे थे, लगातार मेडिसिन दे रहे थे। हाँ जी पापा जी। एक ही डॉक्टर के पास गए कि किस कोई और भी? अलग अलग डॉक्टर। कितने डॉक्टरों के पास? 3-4 डॉक्टर। 3-4 डॉक्टरों के पास सब अलग अलग गए। एक से अच्छा नहीं हुआ, दूसरे पे, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा, चौथा, मतलब 4 डॉक्टर अपने बदले, पर कहीं से भी आप इसको आराम नहीं मिल रहा था। नहीं पापा जी। और आप भी बड़े परेशान थे। हाँ जी। ये पूरा दिन भर रोता था, पूरी रात भी। हाँ जी। ये भी नहीं सोता और आप भी नहीं सोते थे। हाँ जी पापा जी। देखो ये कितनी परेशान थे। पर जैसे ही आप, कितनी तारीख को जेल हैंड हुई? 2 मई को। 2 मई को। आज कितनी तारीख है? 11। आज 11 है, मतलब करीब कोई 12-13 दिन हो गए। हाँ। और आज इसे जब जबकि ले हैंड हुई, जब ले हैंड हुई तो कितने दिन के बाद ये अच्छा हो गया? पापा जी ले हैंड संडे नु हुई ही ना, तो मैं दी लिखवानी ही गवाई ते नु दोबारा दाने दे फेस ते हो गए ही। तो फिर मैं फिर दवा कीती, प्रार्थना कीती, खुदा गारी रखिया कि खुदा हुण बिल्कुल ठीक है, इनू कुछ नहीं प्रॉब्लम हैगी। तो हुण उस तो बाद बिल्कुल ठीक है, तो फिर अज गवाई दित्ती। वेरी गुड। सुनो एक चीज, सुनो, अपने पॉइंट नोट करो, ये सबसे मेन पॉइंट है। ले हैंड हुई और ले हैंड होने के बाद भी वो प्रॉब्लम क्या होगी? फिर से आ गई। पर आपने धन्यवाद किया कि नहीं परमेश्वर, जिस बात के लिए मैंने ले हैंड करवाई है, है ना, जो हाथ तेरा, तेरे दास के द्वारा मेरे बच्चे पर आया है, अब मैं विश्वास करती हूँ ये फ्री है। और जैसे आपने धन्यवाद दिया, ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। और उस दिन से आज तक ये ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं देते, अब कोई पिलकरा नहीं, कोई दाना नहीं है, नहीं बिल्कुल। परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया है? हाँ जी ठीक कर, चंगा कर। अभी इनके पाँव को कोई चेक भी? हाँ, तो दिखा, दिखाओ इसके पाँव, इसका पेट दिखाओ, बॉडी। हाँ, देख सकते हैं आप सब, अच्छे से झूम करो। हाँ देखो, अब दिखाओ दिखाओ अच्छे से इसके पाँव, जहां पे होते थे पिलकरे। अभी तो निशान भी खुदा ने खत्म कर दिए। हाँ, इसका पेट भी दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पेट पेट दिखाओ इसका। वाओ, क्या बात है। ये है जीवित परमेश्वर की जीवित शक्ति का प्रमाण, जिस पर हम विश्वास करते। अपने दोनों हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए, क्योंकि ये बहन लंबे समय से परेशान थी। सुनने में नॉर्मल लगता है, इसको पूछो इसकी क्या हालत होगी। एक छोटे से बच्चे को संभालना, और खास करके गर्मी के मौसम में बड़ी दिक्कत आती, पता है कि नहीं पता? पर हमारा परमेश्वर महान। दोनों हाथों को उठा कर, शिफा तेरे कोले, फता तेरे कोले, शिफा तेरे कोले, फता कहिए। हाँ, शिफा तेरे कोले, फता तेरे कोले, तेरे कोल, यसू साडे रोका दी, यसू साडे रोका दी, यसू साडे रोका दी, यसू साडे रोका दी, दुआ तेरे कोले, ताड़ी बजाओ तो है।
तेरे कोल पता तेरे कोल हालेलुया तेरे कोल पता तेरे कोल शिफा तेरे कोल पता तेरे कोल। आप भी किसी दुख परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।